महाराष्ट्रातील अग्रगण्य संस्था कानके केमिस्ट्री अकॅडमी 3 जून पासून सुरू होत आहे खास 10वीतून 11वी सायन्स मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन क्लासेस. ऑनलाइन साठी कुठलीही फी नाही. नीट, जेईई, एमएचटी, सीईटी साठी स्पेशल बॅचेस. आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. कॉल 9822600918 किंवा 9325729292. हॅलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि व्हाट इज द एटम, व्हिच फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. हमने उनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किए. उसके बाद एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडाइपर्स, आइसोस्टर्स. अभी हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आगे जाके हम सब डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है. बाय कंसिडरिंग द सब सेल्स, ऑर्बिटल्स, देन how many electrons are present in orbitals, what are the shells, subshells. So there are so many atomic models, Bohr's atomic model, Rutherford atomic model. आपने शायद पढ़ा होगा Rutherford atomic model, alpha scattering experiment. According to Rutherford atomic model, what is the Rutherford atomic model? According to Rutherford atomic model, most of the part of an atom is empty. Then volume of nucleus is very small as compared to the total volume of atom. Electrons are revolving around the nucleus like a planets revolving around the sun. So this is the important postulates given by Rutherford atomic model. Then next is the Bohr's atomic model. Bohr's atomic model kya deta hai, usne diya hai shells, subshells. So according to the Bohr's atomic model, electrons are continuously revolving around the nucleus. Rutherford atomic model में कुछ limitations है. Rutherford atomic model ने क्या दिया है कि electrons are revolving around the nucleus in fixed circular path. But according to the classical mechanics, any revolving body can radiate the energy. And finite energy will be decrease and it will be stop. म्हणजे काय की इलेक्ट्रॉन जर न्यूक्लियस होती फिरतो आणि फिरताना जर तो थांबला तर तो न्यूक्लियसमध्ये पडेल आणि ॲटमचं स्ट्रक्चर कोलॅप्स होईल. म्हणजे रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेललाही काही लिमिटेशन्स आहेत. हा सगळा पार्ट आपण ज्यावेळेस ॲक्च्युली स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम हा टॉपिक सुरू करताना डिटेल डिस्कस करणार आहोत. आत्ता तुम्हाला जेवढं गरजेचं आहे ॲज अ फंडामेंटल ते मी तुम्हाला सांगतोय. मग आता काय की ज्यावेळेस आपण रुदरफोर्ड सॉरी बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल कन्सिडर करू, अकॉर्डिंग टू बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल न्यूक्लियस इज प्रेझेंट ॲट द सेंटर. दिस इज द न्यूक्लियस अँड देन अराउंड द न्यूक्लियस देर आर व्हेरियस सेल्स अँड सब सेल्स. सपोज इट इज द फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ. सो रुदरफोर्ड gives the that is number to these cells and we see that that is the energy level. It is the first cell close to the nucleus, second cell, third cell and fourth cell, and designated by the capital letters. Nucleus, it is the nucleus. Any cell close to the nucleus, G cell nucleus cha jawar asel, it is the K cell, it is L cell, it is M cell, it is N cell and so on. So according to the Bohr's atomic model, electrons are continuously revolving around the nucleus without radiating the energy, and therefore it gives the concept of stationary orbit. What is the orbit or shell? Orbit kiwa shell manje kay? Ki electron revolving around the nucleus in fixed circular path, manje circular path madhe nucleus firat asto. And during this revolution it not radiate the energy, तो energy बाहेर टाकणार नाही आणि म्हणून त्याला काय म्हटले, stationary orbit.
इट इज द स्टेशनरी ऑर्बिट ऑर शेल्स इनिशियल क्लोज टू द न्यूक्लियस इज द फर्स्ट सेल डिसिग्नेटेड बाय द कैपिटल लेटर के सेकंड सेल एल थर्ड सेल एम एंड फोर्थ सेल दैट इज द एन के एल एम एन दीज आर द शेल्स आपको क्या पता होना चाहिए फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल सो व्हेन वी कंसीडर द शेल्स एंड दिस 1, 2, 3, 4 दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी लेवल्स एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर एन सो एन इज इक्वल टू 1 एन इज इक्वल टू 2 एन इज इक्वल टू 3 एन इज इक्वल टू 4 लाइक दिस एन इज इक्वल टू 1 इट इज द के सेल देन एन इज इक्वल टू 2 एल सेल एन इज इक्वल टू 3 एम सेल एन इज इक्वल टू 4 एन सेल सेल्स आर डिसिग्नेटेड बाय कैपिटल लेटर के एल एम एन देन इनसाइड द सेल्स देर आर सब सेल्स एंड इन सब सेल देर आर ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन टू द ऑर्बिटल्स म्हणजे काय की सेलमध्ये काय असतील सब सेल्स असतील सब सेलमध्ये काय असतील ऑर्बिटल्स असतील आणि फायनली इलेक्ट्रॉन कुठे असतील ऑर्बिटल्समध्ये असतील म्हणजे पहा ॲटम विथ टू पार्ट सेंट्रल डेन्सर पार्ट इज द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ एन ॲटम अदर दॅन न्यूक्लियस इज नोन एज द एक्स्ट्रा न्युक्लिअर रिजन आणि या एक्स्ट्रा न्युक्लिअर रिजनमध्ये काय असणार आहे सेल्स इनसाइड द सेल्स देर आर सब सेल्स अँड इन टू दॅट सब सेल देर आर ऑर्बिटल्स आपल्याला पुढे जाऊन डेफिनेशनसुद्धा आहे ऑर्बिटल्स म्हणजे काय इट इज द 3-dimensional इमॅजिनरी ऑर हायपोथेटिकल स्पेस वेअर प्रॉबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मॅक्झिमम दॅट इज द ऑर्बिटल्स प्रॉबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन असण्याची शक्यता आहे मॅक्झिमम पॉसिबिलिटी आहे अशा स्पेसला काय म्हणायचं ऑर्बिटल्स आता मी काय सांगतोय भोर्सने काय दिलं क्या द्यायसने की इट इज द फर्स्ट सेल दुसरा इट इज द के सेल सेकंड सेल को क्या कहेंगे एल सेल थर्ड सेल को क्या कहेंगे एम सेल और फोर्थ सेल को क्या कहेंगे एन सेल एंड देन दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ऑल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी लेवल्स आगे जाके हम इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर म्हणून मी काय सांगतो की आत्ता जे तुम्हाला कळतं आहे ते व्यवस्थित समजून घ्या ओके एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड एज द एनर्जी लेवल्स मग आता सेल्समध्ये काय असतील सब सेल्स आणि सब सेलमध्ये काय असतील इलेक्ट्रॉन्स मग आता सगळ्यात अगोदर सब सेलचे टाईप किती 4 टाइप्स ऑफ सब सेल्स आर देअर एस पी डी एफ हे नेम्स कुठून आले तर त्या स्पेक्ट्रल लाईन्सपासून आलेत आपल्याला नंतर याचं शेप्स काय असतील त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन किती सो एस सब सेल पी सब सेल डी सब सेल अँड एफ सब सेल हाऊ मेनी सब सेल्स आर देअर देर आर 4 सब सेल्स एस सब सेल पी सब सेल डी सब सेल अँड एफ सब सेल म्हणजे काय ॲटममध्ये काय सेल्स सेलमध्ये काय सब सेल्स सब सेलमध्ये काय ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स अँड इनसाइड द ऑर्बिटल्स देर आर इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे सेलमध्ये सब सेल्स सब सेलमध्ये ऑर्बिटल्स आणि ऑर्बिटल्समध्ये काय इलेक्ट्रॉन्स हाऊ मेनी टाईप्स ऑफ सब सेल दॅट इज द एस सब सेल पी सब सेल डी सब सेल अँड एफ सब सेल देर आर 4 टाईप्स ऑफ सब सेल्स सो रिमेंबर फर्स्ट सब सेल एस सब सेल पी सब सेल डी सब सेल अँड एफ सब सेल अभी आपको क्या पता होना चाहिए जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन लिख सकते हैं सो हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सो सी दिस वन दिस इज द एन वैल्यू एन मीन्स इट इज द एनर्जी लेवल्स और इट इज द दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन देन दिस वन इज द सेल देन दिस इज द सब सेल्स सब सेल सब सेल देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल गिवन बाय द फॉर्म्युला 2n² रिमेंबर दिस फॉर्म्युला मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन सेल दॅट इज इक्वल टू 2n² अँड देन दॅट इज फर्स्ट ट्राय टू अंडरस्टँड दिस एन इज इक्वल टू 1 सो एन इज इक्वल टू 1 वॉट इज द सेल के सेल
n is equal to 1, cell is the k cell, or if cell is the k cell, definitely value of n 1. अगर n की वैल्यू 1 होती है तो कौन सा सेल रहेगी, कौन सा कोश रहेगा, k. और n अगर सेल k सेल है तो उसके लिए n वैल्यू क्या आएगी, 1. n is equal to 1, cell is the k cell, or if cell is the k cell, n is equal to 1. n is equal to 2, it is l cell. N is equal to 3, it is M cell. N is equal to 4, it is N cell. K L M N, आगे जाके O P, लेकिन अभी तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है. So N is equal to 1 K cell. Now sub cell, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है. Sub cell present inside the cells. Cell inside the cell there are sub cells. So how many sub cell present in cell? So number of sub cell present in the given cell is equal to value of n. I repeat, what is the n? N is the energy levels. आगे जाके इसको क्या बोलेंगे हम, principal quantum number. Energy level मैंने जो आप पहले दिखाया nucleus के closed energy level है, उसके क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, that is the k cell. So n is equal to 1 first cell, n is equal to 2 second cell, n is equal to 3 third cell, n is equal to 4, like this. Then how many types of subcell? There are 4 types of subcell, S, P, D, F. Inside the subcell there are orbitals. पहले ठीक से समझ लो, n is equal to 1 k cell, n is equal to 2 l cell, n is equal to 3 m cell, n is equal to 4 n cell. Or cell is the m cell, n is equal to 3. Then number of subcell present in the given cell. So how many subcell present in the given cell equal to value of n. So number of subcell present in the given cell equal to n value, means agar hum k cell lete, so k cell ke liye n value kitni hai, 1. So how many subcell present in the k cell equal to 1, and which is that, yes, and it is the part of first energy level, therefore it is 1s. Then for L cell, what is value of N? So for L cell, N value is 2. So how many subcells are there? 2 subcells are there. Which are that? S and P. So S and P, it is the part of second cell, therefore 2S and 2P. How many subcells are there? 2 subcell. Abhi aap bol sakte, for M cell, what is N value? 3. M cell ke liye N value kitni hai? 3. तो कितने सबसेल रहेंगे, 3 सबसेल रहेगी इसमें. सो व्हाट इज द, इट इज द एम सेल. व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन, 3. सो हाउ मेनी सबसेल्स आर 3, व्हिच आर दैट, एस पी एंड डी. सो इट इज द 3s 3p एंड 3d. देन फॉर एन सेल व्हाट इज एनर्जी लेवल, 4. सो एन व्हाट इज एनर्जी लेवल, हाउ मेनी एनर्जी लेवल्स, 4. सो व्हिच आर दैट, 4 सबसेल्स आर देयर, एस पी डी एफ. Number of subcells present in the given cell is equal to value of n. What is this? It is the part of fourth cell, therefore 4s, 4p, 4d and 4f. So how many subcell in first cell, how many subcell? 1, because n value is 1. So 1s, 1 represent the energy, 2 represent the energy, 3 represent the energy. 4s, what is meaning of 4s? It is a subcell, it is the part of fourth cell. So k cell, for k cell n value is 1, therefore how many subcell? Only 1 subcell, s subcell. It is part of first, therefore it is 1s. For l cell, what is value of n? 2. L sati n value kiti hai? 2. H amadhi kiti subcell astil? 2 subcell astil, which are that? Sp, 2s and 2p. M sati n value kiti? 3. But how many subcell? 3. Spd, 3s, third cell madhi hai, 3s, 3p, 3d. And same n sati energy level kiti? 4. So how many subcell? 4. S, P, D, F. 4S, 4P, 4D and 4F. Now number of electron present in the shell, it is determined by using the formula 2N square. K cell, what is N value? 1. 2N square, that is 2. Then what is this? That is the 2 into, what is N value? 2. 2 square, 8. Then what is n value? 3. So 2 into 3 square, that is the 18. And what is n value here? 4. 2n square, 4 square,
that is the 32. This means that in first cell, how many electrons are there? 2 electrons are there. In second cell, how many electrons are there? 8 electrons are there. In third cell, how many electrons are there? 18. And fourth cell, how many electrons are there? 32. अगर हम first cell लेते हैं, तो उसमें electrons कितने हैं? 2. In first cell, how many subcells are there? 1. So, how many electrons? First cell, electrons are 2. Subcell is 1. Which is that? 1s. So, ये जो 2 electrons है, वो कहाँ पे रहेंगे? 1s में. So, simple. Very easy, n is equal to 1, k cell, how many subcells equal to n value, k cell के लिए n value कितनी है 1, so only 1 subcell, l cell के लिए n value कितनी है 2, only 2 subcell, for m cell, n value is 3, how many subcell, 3 subcell, 3s, 3p, 3d, n value that is 4s, 4p, 4d, 4f, n value 5 है, तो वो भी हम calculate कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है आपको. So SPDF, this is the subcell, maximum number of electrons, that is 2 square, that is 2n square, 8, 18 and 32. So this is the number of electrons present in the given cell. Now next part, that is the quantum numbers. मैं आपको बहुत short बताने वाला हूँ कि आगे जाके बहुत सारे details हम quantum number के बारे में देखेंगे. So quantum numbers. Quantum numbers क्या रहते हैं? What are the quantum numbers? Various theories are there. आपको Heisenberg uncertainty principle भी आगे जाके पढ़ना है. According to this Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to determine exact velocity and position of electron simultaneously. Electron कहाँ पे है? उसकी velocity क्या है? It is difficult to determine simultaneously. So quantum number kya hai? It gives the complete information about the electron. In short, it is the biodata of electron. Agar kisi ko aapko dhundna hai, to aap uska address bolte hai. Jaise ki wo Ahmednagar mein rehta hai. Ahmednagar mein rehta hai, lekin kaha pe? Aapko sirf bola hai ki Ahmednagar mein rehta hai. To quite difficult to find it. So baad mein aapko kya bolna hai? Ki Ahmednagar mein Saivadi mein. Saivadi mein kaha pe? Saivadi mein रासने नगर में कहाँ पे? कांड की केमिस्ट्री क्लास के सामने. यानी कि ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तब जाके हम उसको ढूंढ पाएंगे. तो क्वांटम नंबर ही सेम है कि इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन. कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. सो क्वांटम नंबर्स, बाय नोइंग द क्वांटम नंबर्स वी गिव द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी ऑल्सो गिव द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Quantum numbers that give the complete information about the electrons. In short, quantum number is the biodata of electrons. What are the quantum numbers? There are 4 quantum numbers. Which are that 4 quantum number? That is the first is the principal quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number. So what is the principal quantum number? It is represented by small letter n. That is the principal quantum number. Value of n like this 1, 2, 3. If principal quantum number is 1, what is the shell? You know that it is the K cell. If principal quantum number is 2, it is the L cell, M cell, and so like this. By knowing the principal quantum number, we also predict the period of the element. म्हणजे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरवरून आपण एलिमेंट्स कुठल्या पिरियडमध्ये आहेत ते सुद्धा सांगू शकतो. एन इज इक्वल टू 1, 2, 3. अँड यू नो दॅट ॲज प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर इन्क्रीजेस, एनर्जी ॲज वेल ॲज साईज ऑल्सो इन्क्रीजेस. सो एन इज इक्वल टू 1, 2, 3. दिस इज द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. व्हॅल्यू ऑफ एन 1, 2, 3. हे सब बहुत सिंपल आहे, लेकिन अभी हम जितना जरूरत आहे उतना ही पडेंगे. एन इज इक्वल टू 1, 2, 3. This is the principal quantum number. You know that n is equal to 1. Then what is the cell? K cell, L cell, M cell. By knowing the principal quantum number, we also predict the shell. Second quantum number is the azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. This is the L.
So azimuthal quantum number. What is the azimuthal quantum number? L is equal to. So what is the L? Value of L. Azimuthal quantum number is depends on principal quantum number. Pilal aapko sirf ye formula yaad karna hai. L is equal to 0 to n minus 1. L is equal to 0 to n minus 1. First remember the formula. L is equal to 0 to n minus 1. म्हणजे मी आत्ता जेवढं सांगतोय तेवढं सध्या तरी लक्षात ठेवा. एल इज इक्वल टू काय? झिरो टू एन मायनस वन. सपोज एन इज इक्वल टू वन. एन इज इक्वल टू वन. व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही लिहू सुद्धा शकता. एल एन इज इक्वल टू वन. व्हॉट इज फॉर्म्युला? एल इज इक्वल टू झिरो टू एन मायनस वन. व्हॉट इज एन व्हॅल्यू? वन. एन व्हॅल्यू इज वन. सो व्हॉट इज एल व्हॅल्यू? झिरो टू वन मायनस वन. एल इज इक्वल टू झिरो. देन एन इज इक्वल टू टू. What is L value? 0 to n minus 1. What is our formula? L is equal to 0 to n minus 1. N is equal to 1. L is equal to 0. Then n is equal to 2. L is equal to 0 to n minus 1. 0 to 2 minus 1. 0 and 1. And n is equal to 3. What is L value? L value 0. 1 and 2. 0 to n minus 1. 0 to 3 minus 1. 0 to 3 minus 1 means 0 to 2. 0 to 2 is ka matlab kya hai? 0, 1, 2. N is equal to 4. Bolo, L value, N is equal to 4. L value 0 to 4 minus 1. 0 to 3. 0, 1, 2, 3. What is meaning of this azimuthal quantum number? It represents the shell. So always represent, remember, so L is equal to, L is equal to 0, L is equal to 1, L is equal to 2, L is equal to 3. Abhi aapko sirf ye yaad rakhna hai, L is equal to 0, what is the subcell? Yes. L is equal to 1, what is the subcell? P. L is equal to 2, what is subcell? D. L is equal to 3, what is subcell? F. So very simple, L is equal to 0. L is equal to 0, that is equal to S. L is equal to 1, P subcell. Or if P subcell is there, what is value of L? 1. Ye yaad rakhna hai aapko. It is very important. So L is equal to 0, subcell is the S subcell. L is equal to 1, P subcell. L is equal to 2, D subcell. And L is equal to 3, F subcell. Dekho, main yahan pe likhta hu, L is equal to 0. L is equal to 0, L is equal to 1, L is equal to 2, L is equal to 3. अभी मैंने आपको बताया कि how many subcells are there? 4 subcells. Which are that 4 subcells? S, P, D and F. There are 4 subcells. If L is equal to 0, which is the subcell? P subcell. L is equal to 1, which is the subcell? Sorry, L is equal to 0, which is the subcell? S. L is equal to 1, which is the subcell? P. L is equal to 2, which subcell? D. And L is equal to 3, subcell is F subcell. Agar tumhari subcell S rahegi, if subcell is the S, what is L value? 0. Subcell is the P subcell, what is L value? 1. Subcell is the D subcell, what is L value? 2. And subcell is the F subcell, what is L value? 3. So it is very important, always remember. जैसे कि मैंने आपको बताया हाउ मेनी सब सेल्स प्रेजेंट इन द सेल. सेल्स में कितने सब सेल रहेगी? दैट इज डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन. जैसे कि एल सेल के लिए एन वैल्यू कितनी है? 2. तो इसमें कितने सब सेल रहेंगे? 2. विच आर दैट? 2s एंड 2p. हाउ मेनी सब सेल्स आर दे? इसका ध्यान रखना है आपको कि 2 सब सेल्स आर देयर. विच आर दैट? s एंड p. जैसे कि s सब सेल के लिए एल वैल्यू कितनी है? 0. p सब सेल के लिए एल वैल्यू कितनी है? 1. d सब सेल के लिए एल वैल्यू कितनी है? 2. एंड F subcell के लिए L value कितनी? 3. ये भी आपको याद रखना है. So this is the first is the principal quantum number. By knowing the principal quantum number, आप क्या बताएंगे? Shell. Suppose मैंने आपको बोला है कि N value कितनी है? 2 है. अगर N value 2 है तो आप क्या बोलेंगे? Shell is the which cell? L cell. L cell में how many subcells are there? 2 subcells are there. So which are that? That is the S and P. क्यों? Because when N is equal to 2, इसलिए एल सेल.
when n is equal to 2, then what is value of L according to this formula? 0 to n minus 1. So n is equal to 2, therefore L cell. And then what is value of L? Value of L equal to 0 and 1. 0 S sub cell, 1 P sub cell. यहाँ पे n is equal to 3. Which cell? M cell. M cell में how many sub cell? L is equal to 0, 1, 2, 3. 0 definitely yes. 0 yes. 1 P. 2 D. And 3 F. S के लिए 0. P के लिए 1. D के लिए 2. And F के लिए 3. So L is equal to 0, 1, 2, 3. Then how many sub cell? 4 sub cell. L is equal to 0, S sub cell, P sub cell, D sub cell and F sub cell. And third quantum number is the magnetic quantum number. Magnetic quantum number, it gives the orientation. Iske bhi abhi zarurat nahi hai. Magnetic quantum number. So magnetic quantum number. What is magnetic quantum number? So magnetic quantum number also depends on L. So what is this? That is the magnetic quantum number is given by small m. What is this? M is equal to minus L to 0 to plus L. Okay, minus L to plus L through the 0. Total number of values 2L plus 1. अभी आपको एक confuse करेगा, लेकिन सिर्फ ये याद रखना है, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ configuration पढ़ाना है अभी तो. बाकी डिटेल तो टॉप व्हेन वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये सब हो जाएगा. अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2. तो n इज इक्वल टू 1, हाउ मेनी सेल? 1, सॉरी, हाउ व्हिच इज k l m, हाउ मेनी सब सेल? k 1, 2 सब सेल्स, 3 सब सेल्स. देन l इज इक्वल टू 0, s सब सेल. l इज इक्वल टू 1, p सब सेल. देन l इज इक्वल टू 2, d sub cell and l is equal to 3, that is the f sub cell. मैंने आपको क्वांटम नंबर कितने बोला है? 4. लास्ट जो क्वांटम नंबर रहेगा वो स्पिन क्वांटम नंबर, वो सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा. उसकी भी फिलहाल हमें जरूरत नहीं. अभी क्या याद रखना है आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजम्पल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या दिया आपको? सेल. एजम्पल क्वांटम नंबर ने क्या दिया? सब सेल. अभी सब सेल देन ऑर्बिटल्स आर देयर. सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? वेरी सिंपल फॉर्मूला, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. सो वेरी सिंपल फॉर्मूला, सब सेल उसके बाद आएगा ऑर्बिटल्स. ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स डिफरेंट. ऑर्बिट एंड सेल. ऑर्बिट इज द, what is orbit? It is the sphere where electrons continuously revolving around the nucleus. It is the fixed circular path. उसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्बिट. उसके बाद सब सेल और ऑर्बिटल्स. सो सब सेल्स, ऑर्बिटल्स. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द गिवन सब सेल? सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, वॉट इज द फॉर्मूला? 2L plus 1. सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इनसाइड द सेल? शुरू शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ईजी होता है. आपको क्या याद करना है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. सब सेल में क्या रहेगी? ऑर्बिटल्स. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? दैट इज 2L plus 1. अभी एल वैल्यू तो आपको पता है, जैसे कि मैंने बोल दिया यस सब सेल. यस, विच इज योर सब सेल? यस सब सेल. फॉर यस सब सेल व्हाट इज वैल्यू ऑफ एल? फॉर यस सब सेल एल वैल्यू क्या है? 0. सो व्हाट इज दिस 2L plus 1? इसका मतलब क्या है? 2 × 0 + 1. व्हाट इज वैल्यू? 1. दिस मीन्स दैट यस सब सेल कंटेनिंग ओनली वन ऑर्बिटल्स. यस सब सेल कंटेनिंग हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 1 ऑर्बिटल्स. देन पी सब सेल. फॉर पी सब सेल व्हाट इज एल वैल्यू? एल वैल्यू इज 1. फॉर पी सब सेल एल वैल्यू इज 1. सो वी राइट द 2 1 + 1, दैट इज इक्वल टू 3. सो हाउ मेनी सब सेल्स आर देयर? सॉरी, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? 3 ऑर्बिटल्स इनटू द पी सब सेल. आगे जाके हम देखेंगे कौन से हो, पी एक्स, पी वाई, पी जेड. फिलहाल आप सिर्फ ये याद रखो, सब सेल इज द एस सब सेल. इन एस सब सेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? व्हाट इज द फॉर्मूला? 2L plus 1.
सो एल वैल्यू जीरो है ना, सो टू इंटू जीरो प्लस वन वन। अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो आगे जाके डी, फॉर डी सब सेल व्हाट इज एल वैल्यू टू, सो व्हाट इज योर फॉर्मूला टू इंटू टू प्लस वन दैट इज द फाइव। देन एफ व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर एफ सब सेल, एल वैल्यू फिक्स फॉर एफ सब सेल, ये फिक्स है जीरो वन टू थ्री फिक्स है, एस जीरो जीरो पी वन डी टू एंड फॉर एफ सब सेल एल वैल्यू इज थ्री, सो टू इंटू थ्री प्लस वन सेवन। दिस मीन्स दैट एस सब सेल कंटेनिंग हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, अभी आपको याद रखना है एस सब सेल कंटेनिंग हाउ मेनी ऑर्बिटल्स वन, पी सब सेल कंटेनिंग हाउ मेनी ऑर्बिटल्स थ्री, डी सब सेल कंटेनिंग हाउ मेनी ऑर्बिटल्स फाइव एंड एफ सब सेल कंटेनिंग हाउ मेनी ऑर्बिटल्स सेवन। आगे जाके हम उसको इस शेप भी देखेंगे, सो एस सब सेल वन ऑर्बिटल्स, पी सब सेल थ्री ऑर्बिटल्स, डी सब सेल फाइव ऑर्बिटल्स एंड यहाँ पे सेवन ऑर्बिटल्स, यानी कि वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस टू सेवन एंड वन ऑर्बिटल कंटेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल कंटेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टू, वन भी हो सकता है और ऑर्बिटल में भी एम्प्टी, लेकिन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल। जैसे कि एल इज इक्वल टू सॉरी फॉर एस सब सेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स दैट इज द टू एंड नंबर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, सो फॉर एस सब सेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर टू, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू, फॉर पी सब सेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स थ्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिक्स, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेन, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर्टीन, क्योंकि वन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स है वन, और वन ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं टू टू। यहाँ पे पी सब सेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे थ्री, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर थ्री ऑर्बिटल्स आर देयर एंड वन ऑर्बिटल कंटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स। इन केस ऑफ डी सब सेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर फाइव, फाइव इंटू टू टेन। एफ सब सेल के लिए हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर सेवन ऑर्बिटल्स आर देयर एंड सेवन इंटू टू फोर्टीन। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल टू, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल सिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल टेन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एफ सब सेल फोर्टीन। एवरी टाइम इंक्रीजेस बाय फोर, टू प्लस फोर सिक्स, प्लस फोर टेन, टेन प्लस फोर फोर्टीन। सो यू नो सेल्स कंटेनिंग सब सेल्स, हाउ मेनी सब सेल एन, नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन द गिवन सेल इक्वल टू एन। देन सब सेल कंटेनिंग द ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर दैट इज द बाय दिस फॉर्मूला टू प्लस टू एल प्लस वन। सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स एस सब सेल वन ऑर्बिटल्स, थ्री ऑर्बिटल्स, फाइव ऑर्बिटल्स, सेवन ऑर्बिटल्स, ईच ऑर्बिटल्स कंटेनिंग मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स, देयर फॉर एस सब सेल कंटेनिंग मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स, पी सब सेल थ्री ऑर्बिटल्स मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, डी सब सेल फाइव ऑर्बिटल्स मैक्सिमम टेन इलेक्ट्रॉन्स, एफ सब सेल सेवन ऑर्बिटल्स मैक्सिमम फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स। सो आपको ये याद रखना है, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखो कि मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब सेल, सो के सब सेल व्हेन वी कंसीडर दिस के सब सेल हाउ मेनी, सो के सेल हाउ मेनी सब सेल एस, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल इज टू टू। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल इक्वल टू एट, इन साइड द एल सेल हाउ मेनी सब सेल्स टू, विच आर दैट एस एंड पी, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एस, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस टू एंड देन पी सिक्स, सो टू प्लस सिक्स एट, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको और भी एक फॉर्मूला बताता हूँ क्या है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द गिवन सेल्स, ओके, देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल, बहुत इंटरेस्टिंग है सर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सेल बाय यूजिंग द फॉर्मूला एन स्क्वेयर। देन हियर व्हाट इज हाउ मेनी ऑर्बिटल फॉर के सेल, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन, एन वैल्यू इज वन, देयरफॉर व्हाट इज एन स्क्वेयर दैट इज वन स्क्वेयर,
So how many orbitals in K cell? That how many orbitals, number of orbitals, that is only one orbital. Then here how many orbitals L cell, that is what is the formula? 2 square ka matlab kya hai? 4. So 4 yahan pe how many orbital? So L cell, what is this? It is the L cell. L cell mein orbitals kitne rahenge? 4. मैंने अभी आपको बोला S subcell में कितने orbitals है? 1. P subcell में कितने होते हैं? 3. So 1 plus 3, 4. So total कितने आएंगे? 4. 4 का मतलब क्या है? How many? 1 S and 3 P orbital. P subcell में cell, अभी जो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ये क्या है? Shell है. Shell के अंदर क्या रहेंगे? Orbitals रहेंगे ना. So it is the S subcell, it is the P subcell. S subcell how many orbital? 1. P subcell how many orbital? 3. 1 plus 3, 4. By using this formula, 4. यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, that is what is this? N square, 3 square. How many orbitals are there? 9. How many orbitals are there? 9. So what is the formula? That is 9. So अगर हम ये सोचते हैं कि M cell के लिए N value कितनी? 3. इसलिए कितने subcell है? S P D. हमने क्या लिखा है? Prefix का ये देखा था energy level. S P D. S subcell में कितने orbital होते हैं? 1. P subcell में कितने होते हैं? 3. और D subcell में कितने होते हैं? 5. So 1 plus 3, 4 plus 5, 9. डायरेक्टली आता है 9. यहाँ पे कितने ऑर्बिटल रहेंगे? 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16. एग्जाम नीट जैसे एग्जाम के लिए पूछते हैं, जेई के लिए पूछते हैं कि आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे. अब ये देखो, फॉर एन सेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल? 4. ओके, हाउ मेनी सब सेल्स आर देयर? 4. एस पी डी एफ. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एन स्क्वायर 16. 16 कैसे रहते हैं? अभी मैंने आपको क्या बोला, एस सबसेल में वन ऑर्बिटल है, अभी देखा था ना हमने. एस सबसेल के लिए वन ऑर्बिटल है, पी सबसेल के लिए 3 ऑर्बिटल्स है, डी सबसेल के लिए 5 ऑर्बिटल्स है, और एफ सबसेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे? एफ सबसेल के लिए 7 रहेंगे. तो आप जरा देखो ठीक से, यस 1 प्लस 3 4 प्लस 5 1 प्लस, इसमें कितने 1, इसमें कितने ऑर्बिटल्स है? 3. इसमें कितने ऑर्बिटल्स है? 5. इसमें कितने? 7. तो टोटल 16. 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू 16. और मैंने अभी बोला है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल 2. यहाँ पे हाउ मेनी ऑर्बिटल? 16. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 32 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? एस में 2, पी में 6, डी में 10. जितने ऑर्बिटल्स उससे डबल इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि डी ऑर्बिट, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स? 5, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन्स. एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स? 7, इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो देखो जरा, 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14, दैट इज इक्वल टू 32. सो दिस इज द शेल सबसेल एंड देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल. क्या फॉर्मूला है? 2n स्क्वायर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल, दैट इज इक्वल टू 2n square, and number of orbitals in cell, that is equal to n square. So ये सब चीजें बहुत important है जब हम electronic configuration लिखते हैं. तो कैसे लिखते हैं electronic configuration? इसलिए कुछ rules हमें follow करने हैं. जैसे कि देखो, this k is equal to 1, मैं repeat करता हूँ, बहुत important है. k is equal to 1, तो subcell 1. L is equal for L, cell is the L, what is N value? 2. How many subcell? 2, S and P. N is equal to 3, how many subcell? 3, S, P, D. Third cell में इसलिए 3S, 3P, 3D. हम सिर्फ S लिखने से ये नहीं पता चलता है कि कहाँ पे. थर्ड सेल में S है, इसलिए 3S, 3P, 3D. इसके लिए N value कितनी है? 4. How many subcells are there? 4. So which are that 4 subcell? 4S, 4P, 4D and 4F. Then आपको फिर मैं रिपीट करता हूँ, L is equal to 0, L is equal to 1, L is equal to 2, L is equal to 3. So it is S, it is P, it is D and it is F. Okay. So this is the L value. For L, small L, it is azimuthal quantum number. It is also known as a subsidiary quantum number. So L is equal to 0, S subcell, L is equal to 1, P subcell, L is equal to 2, D subcell, and L is equal to 3, F subcell.
ओके, अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने के लिए कुछ रूल्स है। कौन से रूल्स है? फर्स्ट यू शुड नो द आफबू प्रिंसिपल। आफबू प्रिंसिपल मीन्स दैट इज द फिलिंग। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन सेल्स, सब सेल्स एंड ऑर्बिटल्स। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि सेल, उसके बाद क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ एन, देन आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ मेनी सब सेल प्रेजेंट इन द गिवन सेल। वी ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सेल। वी ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल बाय यूजिंग, बाय नोइंग द फॉर्मूला एन स्क्वेयर। एंड सेल्स के अंदर क्या रहेंगे? ऑर्बिटल्स। सो वी ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल्स? दैट इज द 2l प्लस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द सब सेल इज इक्वल टू 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, ओके, 2l प्लस 1, ओके। सो दिस इज द n वैल्यू, इट इज द सेल, इट इज द सब सेल। देन नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 2n स्क्वेयर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल इज इक्वल टू n स्क्वेयर एंड वन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो और एक बार बता देता हूँ आपको, ये सब सेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 1, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। पी सब सेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? दैट इज 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6। डी सब सेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। एंड एफ सब सेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? दैट इज द 14। सो दिस इज द एस पी डी एफ। हम पीरियडिक टेबल देखेंगे। आपको पता है कि पीरियडिक टेबल इज डिवाइडेड इंटू 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल इन ब्लॉक्स दैट इज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। सो हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, ये समझने के लिए आपको पहले ये लर्न करना पड़ेगा। तो आप पहले लर्न करो, आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हाट इज द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये समझने के बाद बहुत आसान रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना। तो पहले अभी जो मैंने बोला है रिपीट देखो जरा, और कोई डाउट्स है, कोई डिफिकल्टी है तो मुझे पूछो, फोन भी कर सकते हो, लेकिन पहले समझ लो सेल, सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन द गिवन सेल, व्हाट इज द क्वांटम नंबर। ये सब डिटेल तो मैं बाद में, जब टॉपिक शुरू हो जाएगा ना, बाद में सब मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले जितना मैंने पढ़ा है वो ठीक से करो। सो बाकी का जो पार्ट रहेगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।